यूपी सरकार की लैपटॉप बांटने की योजना पर उनके ही एक मंत्री ने विवाद खड़ा कर दिया। नियोजन राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई के मुताबिक सरकार ने कई बड़े विकास कामों को रोककर लैपटॉप वितरण योजना को तैयार किया है। बाराबंकी में एक समारोह के दौरान मंत्री जी ने कहा कि यूपी में कई सड़कें बन जाती हैं, पुल बन जाते हैं और 24 घंटे बिजली आ जाती है, लेकिन इन सब कामों में कटौती करके यूपी सरकार ने लैपटॉप वितरण योजना को तैयार किया है। बहुत सड़कें बन जाती हैं, बड़ी बिजली 24 घंटे आ जाती, बड़े पुल बन जाते, जनता बहुत खुश होती है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसमें कटौती करके हमने तुम्हारे लिए फंड को मुकर्रर किया। अरे भाई ताली तो बजा दो, एक एक लैपटॉप 35,000 का है, अरबों रुपया खर्च करके हम तुमको दे रहे हैं इसलिए बिजली।